हिंदू युवा संघ द्वारा इंपीरियल तिराहे पर चीन निर्मित सामान की होली जलाई गई। हिंदू युवा संघ के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुमर के नेतृत्व में एकत्रित हुए और चीन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चीन निर्मित सामान को आग के हवाले कर दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए काव्य सौरभ रस्तोगी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का संरक्षक है और पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है। चीन हर स्थान पर भारत का विरोध करता है, जबकि भारत चीन का बड़ा बाजार है। हमारा रुपया हमारे विरुद्ध इस्तेमाल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चीन का सामान ना तो खरीदेंगे और ना ही खरीदने देंगे। कार्यक्रम में राजीव गुम्बर, काव्य सौरभ रस्तोगी, डॉक्टर राजीव कुमार, काले पहलवान, तुषार अग्रवाल, पोरस सहदेवा, बंटी अरोरा, पारस कतियाल, राजू अरोरा, राकेश बटला, अश्वनी कुमार, मोहनलाल सैनी, अमित शंकर आदि मौजूद रहे। हिंदू युवा संघ की ओर से और स्वदेशी जाट मंच के डॉक्टर राजीव कुमार जी और काव्य सौरभ मोहनलाल सैनी जी, इन लोगों की प्रेरणा से हमने जो है चाइना के सामान का जो है यहाँ बहिष्कार करा और हमने जो है इस बहिष्कार के माध्यम से जो है चाइना के सामान की होली जलाई है और सभी महानगर वासियों और प्रदेश की जनता को एक संदेश दिया है कि इस दिवाली पर जो है चाइना निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल न करें। और चूंकि चाइना जो है एक पाकिस्तान का संरक्षक है और पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, हम यह आतंकवाद का विरोध करते हैं और उस विरोध के तहत हमने यहाँ चाइना का बहिष्कार करा। चीन विरोधी अभियान जो स्वदेशी जागरण मंच ने चलाया है, इसके साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं, उसके अंतर्गत ही हिंदू युवा संघ तन मन धन से इस अभियान में सहयोग दे रहा है। ये चीन विरोधी अभियान भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए है, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए है। हम जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं समाज के, वो ये नहीं देखते वो पैसा चीन को जा रहा है और चीन वो पैसा राइफल और गोली के अंदर हिंदुस्तान के सैनिकों के सीने में पार कर रहा है। इस निमित्त इस उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया गया है ताकि लोग, महानगर की जनता, यह चीन का सामान न खरीदे और देश का ही सामान खरीदे, गरीबों के दिए खरीदे, गरीबों का बना हुआ सामान खरीदे और अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे देश में चीन के विरोध में जो ये अभियान चलाया था, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि मुरादाबाद के अंदर अनेक संगठनों का सहयोग हमको मिल रहा है और जो अलग स्वदेशी जागरण मंच ने जगाई है उसको आज प्रत्येक जो है मुरादाबाद का वासी ये प्रण कर चुका है कि इस वर्ष वो दीपावली पर चीन के माल का बहिष्कार करेंगे और इस चीन के माल के बहिष्कार के माध्यम से हम ये चीन को संदेश देना चाहते हैं कि चीन जो पाकिस्तान का समर्थन कर भारत के विरोध में खड़ा है, अब वो दोहरी चाल नहीं चलने वाली। भारत के बाजारों में अब चीन का माल नहीं बिकने वाला, इसलिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को लिया है। आज राजीव कुंभर जी के नेतृत्व में हिंदू युवा संघ ने जो अभियान चलाया है, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद अदा करते हैं और मुरादाबाद के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस बार चीन के माल का बहिष्कार करें और शुद्ध भारतीय उत्पादों को खरीद कर ही दीपावली के त्यौहार को मनाएं।